हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। तो ये टाइम हो गया है लगभग से लगभग 1-1.5 बजे का, और यहाँ पर अभी हम 2 बजे वहाँ कटरा उतरेंगे। और जैसा कि आपको व्लॉग में पता चल ही गया है कि हम पहुँचने वाले हैं कटरा, और अभी हमने सबने अपने अपने बैग उठा लिए हैं और बस अभी थोड़ी देर में ही हम पहुँचेंगे। और पूरा व्लॉग रहने वाला कि कैसे हमने चढ़ाई की, कैसे क्या किया, क्या क्या मुसीबत हुई, क्या कुछ हुआ, सब कुछ इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और ये व्लॉग रहेगा भवन तक की चढ़ाई का, और आगे का जो हम भैरव बाबा पर गए हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। और हम रूम पर आए, रूम पर हमने क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आप बने रहना व्लॉग में कंटिन्यू। तो ये देखो गाइस, ये हमारा नाश्ता है। ये इधर था डेयरी क्रीमर, क्या ये दूध है और चीनी, और इधर ये टी बैग। अभी बन रही है चाय, फिर करते हैं पीते हैं चाय। और ये देखो, ये पी रहे हैं मम्मी बेटा चाय सब्जी। देखो नाश्ते में ये मिला है, ये पता नहीं क्या है, क्या ये कटलेट्स, पराठे, और ये सैंडविच, ये दही, ये सॉस, ये टोमेटो सॉस, ठीक है, ये अचार है दो, और ये लो चोको पाई। ये सारी चीजें मिले हैं। और अभी देखो, ये मेरे बेटू कर रहा है नाश्ता, और इधर मैं अपने बेटे को भी नाश्ता दे रही हूँ। चलो अब मैं आ रहा, स्टेशन आ गया। तो अभी हम उतरने वाले हैं सभी वैष्णो देवी माता स्टेशन, कटरा स्टेशन। नाम भी वैष्णो देवी माता का स्टेशन हो गया। सभी ट्रेन से आ गई, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग ज्यादातर रोज भरी रहती है ट्रेन, वंदे भारत स्पेशल। थोड़ा देर हो गया, अब बंद कर दी। हो गए गाइस उतर गए, वैष्णो देवी मंदिर कैरोमल स्टेशन। यूपी ऊपर देखो, पहले पापा का आधार कार्ड दे, मम्मी को सारे आधार कार्ड वो दे के यात्रा का कार्ड बनवा लेंगे पहले, तो उससे पहले यही काम करेंगे। Yeah.
यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। नहीं तो उनको तो अंदो कुछ नहीं। छुटकू ट्रेन बाय मम्मी। तो गाइस हमें कमरा मिल गया, दो कमरे है हमारे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हम पहुंच चुके हैं कटरा और माता के मंदिर में चढ़ाई कर दी है शुरू। और शाम का टाइम, ओए लेसेस बांध ले, 7 बज चुके हैं और अभी चल पड़े हैं। और इधर देखो ये बच्चे रहे, ये हसबैंड रहे। अगर जी हमने वो लाठी और वो ले लेना आप कदे आगे ना मिले। चालू हो ही नहीं है, यहाँ से चालू होते हैं। अच्छा यहाँ से होगी, चेक करेंगे फिर। अच्छा नीचे हाथ से चेक करेंगे। शुरुआत गाइस ये देखो हमने चढ़ते हुए हो गया है आधा घंटा और हालत होगी है टाइट सबकी। ले ले बेटा एक एक, मैं ले लो, एक आप ले लो, एक आप ले लो, मम्मी ले लो। हाँ और कितना भीड़ है, काफी ज्यादा रश है। ये दिखा रहे थे कि रश नहीं है बट काफी है रश यहाँ पे। और गाइस अभी हम 2 किलोमीटर के लगभग चले हैं और बच्चों की होगी हालत टाइट बिल्कुल, और आपस इन्हें देख सकते हैं। और अभी तो चढ़ाई हमारी है काफी दूर, हमारा मंदिर है माता रानी का काफी दूर। ये देखिए ये देखिए वहाँ का नजारा देख सकते हैं आप। चलिए चलो इधर, ये देखो बिल्कुल पसीना पसीना हो चुके हैं। मम्मी गुड मॉर्निंग। ये देखो गाइस यहाँ की है मार्केट। वैसे तो यहाँ पर रश भी है बट जगमगाट है, ऐसा नहीं लगता कि बोर हो जाए इंसान चलता हुआ, या फिर ये लगे डर वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है। और ना ही आज माता रानी की कृपा से बारिश हो रही है, तो बहुत ही अच्छा मौसम है। तो मौसम का आनंद लेते हुए हम चल रहे हैं, अपनी यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उधर देखो वो भाई गया हुआ है, छोटा भतीजा भी पैदल चल रहा है और सब अलग अलग हो चुके हैं। बच्चे हस्बैंड गए हैं आगे और मैं हूँ बीच में, और मम्मी भाभी पीछे रह गए हैं। तो यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा भी है, वैसे फैसिलिटी पूरी पूरी है। तो गाइस जो भी आना चाहते हैं इस मौसम में, किसी ने अपनी टिकट करवाई तो वो मौसम के लिए बिल्कुल भी ना घबराएं और अपनी यात्रा को सफल बनाएं। हेलो गाइस, देख सकते हो आप कितना अच्छा मौसम है और कितना बाजार बिल्कुल सजा हुआ है। और ये देखो पसीने, और रात का टाइम हो चुका है 8:15
और अभी हमने 2 किलोमीटर से अबाउ कर लिया है दूरी तय। चलो चलो, तो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते जा रहे हैं। और आप अच्छे अच्छे कमेंट करना और जय माता दी लिखना सभी कमेंट में। तो चल रहे हैं गाइस। देखो मैं तो यहाँ पे बैठ चुकी हूँ, सबसे आगे मैं ही हूँ और सब पीछे हैं और वो अभी आ रहे हैं। और अभी दिखाती हूँ वो कितने पीछे हैं। ये देखो अभी तो बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे पीछे हैं, जब तक मैं पानी पी लेती हूँ। बहुत ज़्यादा पीछे हैं वो और सबसे आगे मैं ही हूँ और सब पीछे हैं। बस मैं यहाँ पे अकेली हूँ, अभी ठहरी हुई हूँ, जब तक वो आ जाते हैं तब तक उनके साथ ही चलूँगी 5-10 मिनट्स। जब तक वो नहीं आते तब तक मैं रेस्ट कर लेती हूँ अपना। और अभी हम अर्धकुंवारी के बिल्कुल नज़दीक पहुँचने वाले हैं। अर्धकुंवारी शायद से 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर रह चुका है, कन्फर्म मुझे पता नहीं है, बट वो टाइम हो गया है 9:09:10 हैं और शायद से हम 9:30 तक पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी और वहां जाके फिर करेंगे हम रेस्ट। अभी तक वो आए ही नहीं है, पता नहीं मैं उनसे कितनी आगे निकल चुकी हूं। और वो आ जाएंगे तभी चलूंगी मैं उनके साथ, जब तक मैं 10 मिनट्स रेस्ट कर लेती हूं। और गाइस आपसे रिक्वेस्ट है सभी कमेंट में जय माता दी लिखें, और जो भी यात्रा करना चाहता है वो आराम से सुखद यात्रा कर सकता है इस मौसम में। ये ना घबराए कि भाई बारिश का मौसम है, वहाँ पर बारिश होती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे नॉर्मल हमारे वहाँ पर दिल्ली में या हरियाणा में नॉर्मल बारिश होती है, ऐसी ही बारिश यहाँ पर होती है। बट आज जब हम आए तो माता रानी की कृपा से यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, और चलने के बाद बहुत काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है और अभी तक वो आए ही नहीं हैं। पता नहीं कितने टाइम में आएंगे, तो कोई नहीं, जब तक हम उनका कर लेती, मैं उनका कर लेती हूँ वेट। और डिहाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा काफ़ी संभावना है गाइस, जो भी आए अपना बीच बीच में पानी ज़रूर पीते रहें, लिक्विड चीज़ें ज़रूर लेते रहें। और अभी तो वो कहीं तक भी देखो नज़र नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गए हैं, कितना पीछे हैं। हाँ अब थोड़ा सा दिखाई दिए हैं, बड़े वाला बेटा दिखाई दे रहा है भाई, तो शायद से वो भी रेस्ट मूड में है, अभी वो रेस्ट करने लग गया है। और मैं उनसे काफ़ी आगे निकल चुकी हूँ, तो गाइस अभी वो आने ही वाले हैं, बट वो कहाँ रुके हैं, बहुत ज़्यादा काफ़ी पीछे हैं वो। हेलो गाइस, तो 9 बजने ही वाले हैं और माता रानी की आरती हो रही है, आपको सुनाई भी दे रहा होगा, आप सुन सकते हैं, आप सभी इसका आनंद ले सकते हैं, माता रानी की आरती में शामिल हो सकते हैं आप। देखो इधर बोलो जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय माता दी।
है, हमारा पुत्रा छोटा पुत्रा भी बिल्कुल पैदल पैदल चल के आया काफी दूर तक। और दो चार जने की चाय का बंदोबस्त है, चाय पिला देंगे। 5 मिनट ना भी 1.5 घंटे मारो, देख लेंगे इतना शरीर रिलैक्स कर लिया। लूडो तक यही रिलैक्स कर ले, 10-5 मिनट कर लो, नहीं क्या दिक्कत होगी। चल रखो वारी, चाय का उड़ा रुक जाओ, आधा घंटा उतना टाइम लगाऊंगा इतनी मेहनत तो समझा। 200 तो गाइस देखो यहाँ बच्चों, ये बच्चे खा रहे हैं चिप्स, ये देखिए। और उधर वो ले रहे हैं, यही बैठ जा आराम से खा ले। दे ऊपर 5 मिनट का रास्ता, फिर ऊपर भी है बहुत सारी चीज, उड़े ले लिए बिस्किट। तो गाइस यहाँ पे हम कुछ, ये अर्धकुंवारी हम पहुँचने वाले, सिर्फ 5 मिनट्स का रास्ता रह गया है। और यहाँ पर हम कुछ अपना खाना पीना ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा खा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा खाने से फिर हमसे चला नहीं जाएगा। और कुल 2 आवर में हमने ये कंप्लीट कर लिया है अर्धकुंवारी तक का सफ़र, आधा सफ़र हमने बिल्कुल कम्प्लीट कर लिया है 2 घंटे में। और अभी आगे देखते हैं कैसा क्या सफ़र रहेगा। तो गाइस आप बने रहना व्लॉग में, और व्लॉग को कंटिन्यू पूरा वो जरूर देखना, और व्लॉग को खूब सारा प्यार देना, भर भर के ब्लेसिंग देना, भर भर के जय माता दी लिखना। तो ओके गाइस, ये देखो गाइस यार हमारा पूरा परिवार, देखो पीछे तक कैसे लटकते हुए आ रहे हैं, उनके सबके मूत्रे पड़े हैं, थकावट हो चुकी है। और अमर द्वारी से निकल चुके हैं अभी, और थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं माता के भवन में। और ये देखो वो पापा बेटे जा चुके हैं बहुत काफी आगे। हेलो गाइस, तो टाइम हो चुका है 12:15 का, और ये देखो सामने है ये जो रेड लाइट आपको दिखाई दे रही है, माता का भवन। और अभी सिर्फ तो यहाँ पे हो रही है चेकिंग, ये देखो माता का भवन। और फोन हम अंदर लेके नहीं जा सकते हैं, ये देखो लिखा हुआ है जय माता दी। आपको और जूम करके दिखाती हूँ, ये देखो आप देख सकते हो जय माता दी लिखा हुआ है। और इधर से आप देख सकते हो, ये देखो हमारी ये वाली चढ़ाई रहती है अभी, ये जो हम माता के भवन तक जाएंगे, ये हमारा अभी सफर थोड़ा सा ही बाकी बचा है। नहीं मम्मी, थोड़ा नहीं, अभी भैरव बाबा के चरण उसमें उससे होने वाली है, वो भैरव बाबा के बाद में। बट हम यहाँ से जाके अभी वहाँ तक जब हम जाएंगे ना, तो वो हमारा सफर बचा हुआ है। तो गाइस चलिए आपको दर्शन करवा देते हैं यहीं से माता के।